students, I hope you are well. Now, in primary mathematics book, today we will study number concept 0 to 50. Now, we will know what comes after, what comes before, and what comes between. What is the meaning of before? Ke pehle. Before means pehle. After means baad mein. And between means beech mein. We in number concept we have to know ki kisi bhi number jaise 3. 3 ke before kya aata hai? 3 के पहले क्या आता है? 3 के पहले कौन सा नंबर आता है? 2, right. बाद में, after means बाद में. 4 के after क्या आता है? 4 के after. बच्चों बताइए, 4 के after कौन सा नंबर आता है? 5. तो, after means बाद में. And between. Between means in the middle, बीच में. दो नंबर के बीच में क्या आता है? What number comes between 12 and 14? 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो आप लोग बहुत आसानी से बता दीजिएगा, 13. जब हम लोग before की बात करते हैं, तो हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ जाते हैं. बैकवर्ड काउंटिंग मींस 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग में कहां जाते हैं? फॉरवर्ड काउंटिंग या व्हाट कम्स आफ्टर पूछते हैं, तो हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग देखेंगे. 10 कब आता है फॉरवर्ड काउंटिंग? हम लोग जब देखते हैं 9 के बाद 10 आता है. तो व्हाट कम्स आफ्टर 9, 10. हम लोग ये पिक्चर भी देख रहे हैं. ये क्या चीज का पिक्चर है? एग. ये क्या चीज का पिक्चर है? चिक. ये क्या चीज का पिक्चर है? हैन. तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं. चिक के बिफोर क्या आता है? चिक दुनिया में आने के पहले कैसा रहता है? वह एक एग रहता है. और चिक बाद में क्या बन जाता है? चिक बाद में हैन बन जाता है. तो हम लोग यहां से बीच में रह करके पढ़ते हैं. अगर मान लीजिए ये 2 है, मान लीजिए बिटवीन 2 है, तो 2 के बिफोर क्या होगा? 2 के बिफोर हमेशा 1 होता है. तो 2 के बिफोर 1 होगा और 2 के आफ्टर क्या होगा? 2 के आफ्टर 3 होगा. तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको इस चित्र से क्लियर होगा व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर and what comes between. तो हम लोगों को ये पता लगाना है कि fill in the numbers that comes just after 2 क्या होता है? 3. Just after 2 क्या होता है? 3. तो हम लोग जब forward counting देखते हैं, तो हम लोगों को आफ्टर वाला नंबर पता चल जाता है. 5 के आफ्टर क्या होता है? 6. और जब हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग देखते हैं, तो हम लोगों को बिफोर वाला नंबर पता चलता है. व्हाट कम्स बिफोर? 7, 6. बी फॉर बैकवर्ड काउंटिंग, बी फॉर बिफोर, बी फॉर बिफोर, बी फॉर बैकवर्ड काउंटिंग. बैकवर्ड काउंटिंग में एरो इधर जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे काउंट करते हैं 20, 19, 18. और फॉरवर्ड काउंटिंग में एरो इधर से जाता है, हम लोग
छोटे से बड़े संख्या की ओर जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जा रहे हैं बड़े संख्या की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बैकवर्ड काउंटिंग में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग में हम लोग बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं और बैकवर्ड काउंटिंग में हम लोग घटते हुए क्रम में जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं राइट साइड में फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग हम लोगों को समझाया जा रहा है, जो कि हम समझ चुके हैं। अब कुछ इधर देखते हैं, फिल द नंबर्स दैट कम जस्ट आफ्टर व्हाट कम जस्ट आफ्टर 10, 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो यहाँ पर हम लोग 11 लिख देगा। व्हाट कम जस्ट बिफोर 16, 16 के पहले क्या आता है, 16 के पहले 15 आता है, तो यहाँ 1, 5, 15 लिखेंगे। उसके बाद व्हाट कम्स बिटवीन 6 एंड 8, तो 6, 7, 8 ऐसे फॉरवर्ड काउंटिंग होता है, तो बीच में 7 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे। बच्चों अब आप लोगों को बिफोर आफ्टर बिटवीन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी पेज 33 ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक बुक्स। डू यू रिमेम्बर बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन? क्या आपको याद है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन? आप लोगों को पूरा याद है और आप लोग इसका मीनिंग भी जानते हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, बिटवीन मीन्स बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में। तो आप लोग बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, और बिटवीन मीन्स बीच में जान गए। अब हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं कि यहाँ सॉल्व क्या करना है। रिंग द नंबर दैट कम्स जस्ट, व्हाट नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 16, 16 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है? तो बच्चों आप लोग फॉरवर्ड काउंटिंग काउंट कीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, तो हम लोग देखें कि 16 के बाद 17 आता है, तो 17 को सर्कल कर देंगे, रिंग कर देंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट कम्स बिफोर 10, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10, 10 के पहले क्या आता है? अब हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग देखेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग देख रहे थे तो हम लोग देख लिए कि 10 के पहले 9 आता है, तो हम लोग 9 को क्या करेंगे, हम लोग 9 को रिंग कर देंगे। वी हैव टू एन सर्कल 9, बिकॉज 9 कम्स बिफोर 10। नाउ लेट अस सी अ स्लाइट डिफरेंट प्रॉब्लम, ये सब आगे आप लोग बनाएंगे। अब हम इसको देखते हैं, रिंग द नंबर दैट कम्स बिटवीन 15 एंड 17, 15 और 17 के बीच में कौन सा नंबर आता है? बच्चों सोचिए और बताइए। हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग ही काउंट करेंगे, 15, 16, 17, 15 के बाद 16 आता है और उसके बाद 17 आता है। क्या 16 इसमें लिखा हुआ है? पहचानिए, हाँ 16 इसमें लिखा हुआ है, तो हम लोग 16 को एनसर्कल करेंगे, रिंग करेंगे। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर और व्हाट कम्स जस्ट बिफोर आप लोग समझ गए, ये व्हाट कम्स जस्ट बिटवीन समझाया गया है। लेट अस टर्न ओवर नेक्स्ट पेज, पेज 34। रिंग द नंबर दैट कम्स, यहां पर भी आफ्टर बिफोर
दिया हुआ है ये दो लाइन में और यहाँ बिटवीन दिया हुआ है। तो आप लोग ये पूरा बनाइएगा पेज 34, इसमें तीनों मिला जुला हुआ है और भेजिएगा। यही आपका होमवर्क है। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग और आसान लगेगा। थैंक यू चिल्ड्रेन।